और कोविड के टाइम पे यहाँ पे काफी सुरक्षित है आप, काफी जो गाइडलाइंस है ये लोग फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं आपको, पूरा फर्नीचर यहाँ का सैनिटाइज है। तो अगर मैं रेड ब्रिक्स निकालूंगा तो मुझे कुछ डेयरिंग करना पड़ेगा, और अगर मैं ग्रीन निकालता हूँ तो मुझे कुछ अपना ट्रूथ बताना पड़ेगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश कुमार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि, और ये है हमारी फूड पार्टनर सृष्टि। वेलकम बैक टू माय चैनल नीतीश एंड कुजीन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं आलोकापुरी कॉम्प्लेक्स, जो कि लालपुर चौक के पास में ही है। आप देख सकते हैं ये है आलोकापुरी कॉम्प्लेक्स। और आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले सृष्टि? कैफीन हब। आज हम लोग जाने वाले हैं कैफीन हब। यहाँ पे आप देख सकते हो कैफीन हब है, जो कि आलोकापुरी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में है। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं कैफीन हब, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ख़ास है और कुछ अलग है, ज़रा हटके है। तो ये प्लेस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। और हमारे साथ आज सृष्टि हैं, तो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ का टेबल और चेयर जो है वो स्पेशली ऑटोमोबाइल थीम पे मुझे लग रहा है, और वॉलपेपर भी काफी खूबसूरत, काफी अच्छा लग रहा है। तो चलो बैठते हैं। ओके चलिए, लेडीज फर्स्ट, बैठो। बैठ रहे कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल, काफी अच्छा है ना? ये कार, हाँ ऐसा लग रहा है कि कार में बैठे हैं। कार बैठे हुए हैं, पीछे वाला इसका पोर्शन है, वो आगे वाला है। यस, अब बीच में जो दो सीट हो रहा है। तो अभी लगता है मुझे सृष्टि तुम यहाँ पे खूब सारा फोटोज लेने वाली हो। यहाँ पे अभी सृष्टि हम लोग खाएंगे बहुत कुछ। Okay. यहाँ पे मेनू कार्ड के लिए ये जो स्कैन है ना, ये जो कोड है, okay. इसको अपने फोन से स्कैन करना है, okay. और तुम्हारा जो पूरा मेनू कार्ड है वो तुम्हारे फोन पे आ जाएगा, okay. और उसके बाद तुम ऑर्डर कर सकती हो, ठीक है? तो चलो फटाफट से स्कैन करते हैं, okay. और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मेनू कार्ड है। ओके, तो मैं स्कैन करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए। तो चलो ये है, और मैंने कर दिया इसे स्कैन। स्कैन द QR कोड टू प्लेस योर ऑर्डर। तो आ चुका है हमारे फोन पे बहुत सारे मेनू कार्ड में, यहाँ पे खाने पे डिशेज हैं। तो अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे कुछ अच्छा। ओके, और अच्छा पता है, मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ कुछ स्पेशल है। तो जब तक हमारा खाना ऑर्डर होगा और खाना आएगा, तब तक हम लोग कुछ खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं। वैसे तो मैं क्या खेलोगे? मुझे नहीं पता, मुझे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी खेल नहीं। पर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ बैठे बैठे तुम क्या क्या खेल सकते हो। ओके बैठे बैठे, ओके ठीक है चलो ठीक।
ठीक है, तो ये है एक गेम जो अभी हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं सारा कुछ समझा दूंगा ये गेम कैसा है। एक्चुअली ना यहाँ पे दो तीन गेम्स हैं जो आप बैठे बैठे खेल सकते हो, तो इसमें से एक ये गेम है और मैं बताता हूँ कि ये गेम कैसे खेलते हैं। इस गेम का नाम है जेंगा ट्रूथ और डेयर, ठीक है। बहुत खेलते थे ना, हाँ, ट्रूथ और डेयर बचपन में। ओके, तो इस तो ये गेम का रूल्स पता चल गया? हाँ हाँ। कि अगर तुम ग्रीन वाला पिक करती हो तो तुमको अपने बारे में एक ट्रूथ बताना है, अगर आप रेड वाला पिक करते हैं तो आपको कुछ डेयरिंग करना होगा, यानी कि उसपे जो लिखा हुआ है वो आपको करना होगा। तो मैं अभी ग्रीन वाला पिक करने वाला हूँ, मैं करूंगी। अच्छा चलो, ओके। तो सृष्टि अभी ये गेम खेलना शुरू करने वाली है और ये उठाने वाली है कुछ ग्रीन, चलो स्टार्ट। यानी कि कुछ ट्रूथ, यस, और बता, और बताना होगा तुम्हें। तो ये रहा कुछ, ओके। तो इसपे व्हाट वुड बी योर बेस्ट फैंटेसी आउटफिट? तो तुम्हारा सबसे खास जो आउटफिट है वो कौन सा होगा? वो होगा मेरे वेडिंग आउटफिट, यानी कि लहंगा। अरे वाह। क्योंकि कैजुअल ड्रेस और जो भी होता है वो तो सारे पहनते हैं, पर ये जो वेडिंग डे का आउटफिट होता है ना, वो काफी गर्ल्स का ड्रीम होता है, ड्रीम आउटफिट होता है। तो मेरा ड्रीम आउटफिट लहंगा है। अब मैं उठाने वाला हूँ एक ग्रीन ब्रेक। योर वर्स्ट पर्सनल हैबिट? मेरा सबसे गंदा आदत क्या पता है? क्या? हम बोलते बोलते थूकने लगते हैं। Yes, ये सीक्रेट है। जब हम when I speak too fast, देखो अभी भी और नहीं, जब हम बहुत स्पीड बोलते हैं ना तो हो जाता है मेरे से, पर I am working in this habit और मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, पर ये सच्चाई है। तो ये है ये गेम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपको करने होंगे। तो आप जब यहाँ पे आओ तो प्लीज ये गेम खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ, काफी मजेदार है। बिल्कुल मजेदार है, इसलिए क्योंकि मैं कभी गेम्स नहीं खेलती हूँ, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, तो आप लोगों को तो जरूर आएगा। मुझे ये पूरा गेम खेलना है, तो आप जब आना तो आप भी ये गेम जरूर ट्राई करें। तो कुछ खाने के लिए आप ऑर्डर करें? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो क्या खाओगे तुम? मैं खाऊंगी चिकन, और मुझे मोमोज भी बहुत पसंद है, तो मैं क्रिस्पी चिकन खाऊंगी और वेज फ्राइड मोमोज खाऊंगी। ओके, तो मैं खाऊंगा पिज्जा। पिज्जा, ओके ओके। तो अभी हम लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर करने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे उसका प्राइस क्या है। तो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मैम हमारे लिए ले आइए चिली चिकन पिज्जा और क्रिस्पी चिकन वेज पैन फ्राइड मोमोज। यस, ओके ओके। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ओके, तो हमारे सामने अभी बहुत सारा खाना आ चुका है जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। सो आर यू एक्साइटेड? या आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो टूट पड़ते हैं। बिल्कुल, चलिए टूट पड़ते हैं। दिखाओ पहले क्या क्या आया है। यहाँ पे है पिज्जा, एंड ये है मोमोज, ये है क्रिस्पी चिकन। तो सारे ही देखने में बहुत ही लजीज लग रहे हैं। बिल्कुल लजीज लग रहे हैं। तो मुझे पानी आ रहा है सृष्टि, बहुत ज्यादा। भाई आपको तो पता ही है कि मुझे चिकन और मोमोज कितना ज्यादा पसंद है। तो 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 देर किस बात का, चलो सर्व करते हैं। बिल्कुल। आज हमारी जो फूड पार्टनर है वो यहाँ का खाना टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। ओके, तो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो हम तुमको खाता हुआ देख नहीं सकते, हमको भी खाने को मन कर। और ये जो मोमोज है इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा कितना रीजनेबल है। 139 रुपीस की मोमोज है।
कैसा है? बहुत यम्मी है। हाँ? बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? तो ज्यादा ही ज्यादा हो गया। मैं खाने जा रहा हूँ पिज्जा जिसमें कि चिकन के पीसेस दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं? बहुत गर्म है, बहुत टेस्टी है, सॉस बहुत ही अच्छे से है, चीज दिख रहा है, चिकन भी दिख रहा है, चिकन भी दिख रहा है, चीज भी दिख रहा है, और बहुत ही लाजवाब है। इसकी प्राइस है 189 रुपीस। वैसे मैं सारे मेन्यू कार्ड का जो क्लिक करके आपको फोटोज वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अब मैं ट्राई करूंगी क्रिस्पी चिकन। ओके, कैसा लग रहा? ये पिज्जा ना बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा पिज्जा है। और जब भी आप आना, चिकन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। खाना खाना ही बहुत अच्छा है। ये पता बिल्कुल अलग चीज है, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट अच्छा आई कांट एक्सप्लेन, बट बहुत ज्यादा अच्छा खाना देख के ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी है। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, आप यहाँ जरूर आइए, आप टेस्ट कीजिए यहाँ का। वो कहते हैं ना, सबसे पहले खाने को आप आंखों से खाते हैं, ओके, उसके बाद आप उसे अपने जुबान से खाते हैं। तो खाना देख के ही समझ में आ गया था कि ये कितना अच्छा है, कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है, बहुत ही लजीज है। हम दोनों को इनफैक्ट काफी अच्छा लगा यहाँ का। ये क्रिस्पी चिकन का ना टेस्ट, आप टेस्ट कीजिए ना। जरूर कीजिए, मैं आपको सर्व करती हूं। ओके, अब बतलाइए, मैं एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, बट आप बता पाएंगे। I don't have any manner. खाते वक्त मैं manner show नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है while eating मैं बात करता हूँ, explain करता हूँ, तो please उसके लिए माफ कीजिएगा। पर crispy chicken जैसा इसका नाम है, ये crispy है, इसके लिए प्राइस 189 रुपीस है, और काफी लजीज है यार, काफी लजीज है। ये मोमोज तो गाइस प्लीज मोमोज खाने यहाँ जरूर आइएगा। तो इसका नाम है कैफीन हब, और मैंने बता चुका है, मैंने बता दिया है कि ये है आलू का पूरी के बेसमेंट में, और अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फूड। और कुछ पिया जाए? हाँ बिल्कुल, तो कुछ मोहितो और कुछ कॉफी ऑर्डर करते हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं खाना। ओके, कई बार क्या होता है ना, जब आपको खाना आपके प्लेट पे सर्व होता है और आप जब खाते हो, मेरे साथ क्या हुआ अभी, मैंने जैसे एक बाइट खाया, उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन वाज लाइक वाओ। तो देखिए, आपका एक्सप्रेशन बताता है कि आपको फूड कैसा लगता है, और जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आप लाइक ये हो जाते हो, एनर्जेटिक, एक अच्छा हो जाता है, पता चल रहा है काफी अच्छा खाना है, और खाना अच्छा लगा तो आप नॉर्मल खाएगा, हम खा रहे हैं। तो खाने के बाद जो हम लोग का मूड जो चेंज हुआ है, वो हम लोगों के एक्सप्रेशन में पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारे खाने हैं, और मुझे लग रहा है कि वर्थ है, मतलब कि आप यहाँ पे आ रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये वर्थ है, मतलब कि आप सही जगह आ रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो। तो मुझे लगता है कि इतना पीसफुल माहौल पे आप एक अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मोमोज की क्वांटिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है, पिज्जा जो है उसका साइज भी परफेक्ट है, साइज है वो जो जिस टाइप से मतलब बनाया गया है ना, एक्चुअली मुझे चीज पसंद नहीं है, बट भाई इस पे चीज काफी मतलब जेन्युइनली जितना होना चाहिए इतना डाला गया है। चिकन भी पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का चिकन पिज्जा है ना, चिकन के पीसेस ऊपर है, पूरे पीसेस है, यस। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही परफेक्ट है। अभी हम लोग कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं, और फिर आप लोग को बताते हैं कि वो कैसा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किया है, और ये है ब्लैक करंट शेक, और ये है क्यूकम्बर मोहितो, और इसकी कीमत है 139 रुपीस। आप देख सकते हो कितना लार्ज ग्लास है ये, और इसका प्राइस है 129 रुपीस। ये भी ग्लास काफी बड़ा है उसके कंपैरिजन में, बट डेकोरेटिव है। और यहाँ पता है, मैं थोड़ा सा मेनू कार्ड डिस्कस कर दूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे ओवरऑल हर एक चीज अवेलेबल है, नूडल्स है, बर्गर्स है,
साथ में शेक्स है, मॉकटेल्स है, कॉम्बोज भी है यहाँ पे, जैसे 200 रुपीस के बहुत सारे कॉम्बो है जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। मोमोज की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे चिकन स्टीम मोमो है, चिकन फ्राइड मोमोज है, 119 रुपीस, 129 रुपीस। भैया और यहाँ पे वेज सीक कबाब भी है, 449 रुपीस। ओह माय गॉड, कबाब है, सूप है यहाँ पे। अगर प्राइस देखें तो आपको काफी रिजनेबल लगा। और कबाब बहुत कोई को पसंद होता है काफी लोगों पर। यहाँ देखिए ना, ये जो वेज स्टीम मोमोज है ये 109 रुपीस जस्ट। और मैगी, सैंडविच, पिज्जा, शेक्स, मॉकटेल, बहुत कुछ है। ये तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा और इस बार फोटोज काफी क्लियर होगा, आप अच्छे से देख सकते हो और काफी वैरायटी है। तो चलो ट्राई करते हैं। बिल्कुल, तो मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ और मैं ये ट्राई करूंगी, तो पी के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा वैनिला का फ्लेवर आ रहा है, स्वीट है और ठंडा इतना है। अभी इतना ज्यादा तेज धूप हो जाता है गर्मी में, पसीना आप थक जाते हो और आपको मन करे ना कुछ ठंडा ठंडा पीने का, तो आप यहाँ का आके मॉकटेल और शेक ट्राई करो, बहुत दिल खुश होने वाला है। मैं ट्राई, बहुत ठंडा है ना, ठंडा है, बहुत टेस्टी है, मिंट इस पे इतना सारा और लेमन, इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स मुझे मिल रहे हैं और ओवरऑल जितना इसका कीमत है 139 रुपीस, आप ये पियोगे ना, जितना हम लोगों ने खाया और ये पी रहे उसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं, एकदम परफेक्ट इनफ है आपके लिए। अगर मैं फूड के कंपैरिजन में बात करूं, फूड की बात करूं, यहाँ के खाने की बात करूं और इसके टेस्ट की बात करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। मुझे भी यहाँ का मोइतो हो या फिर हमने ट्राई करा था मोमोज, पिज्जा, मुझे ऑल ओवर सारा यहाँ का सारा खाना काफी पसंद आया, काफी टेस्टी है, जैसे नाम है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही खाना है। तो फूड आप लोगों ने देखा काफी टेस्टी है, मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, आप जरूर आइए यहाँ पे, विजिट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, आप किसी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको निराशा नहीं होगी। और कोविड के टाइम पे यहाँ पे काफी सुरक्षित है, आप काफी जो गाइडलाइंस है ये लोग फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं आपको, पूरा फर्नीचर यहाँ का सैनिटाइज है, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सेफ है। ओके, तो अभी हमारे साथ में मुकुल सर है। हेलो सर। हेलो जी। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज ये जो आपका रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका जो ये थीम है, ये कौन सा थीम आपने? बेसिकली इसे हमने डिजाइन करा है ऑटोमोबाइल थीम पर। अच्छा। हमने ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट पर चला है, लाइक जैसे वॉलपेपर आप यहाँ के देख रहे होंगे ये बाइक थीम पर है, और यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है ये कार के थीम पर है, और इसे हमने ओरिजिनली बॉडी पार्ट्स को कट कराया, लाइक एम्बेसडर और जीप, ये दो एम्बेसडर और दो जीप को हमने यूटिलाइज करा है, और उसके स्पेयर्स को हमने पुराने को इसके कबाड़ों को ला करके और उसके बारी से वेल फर्निश्ड कराया है। तो ये ऑटोमोबाइल थीम पर हमने इसे कम्प्लीटली बनाया है, ये इसी बेस पर। बहुत खूबसूरत, जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि ये ओरिजिनली जो एम्बेसडर कार होता है और जीप होते हैं उनको लेके इन्होंने फर्नीचर यहाँ का तैयार किया है, तो काफी क्रिएटिव थिंकिंग है। और जैसा कि जो आपका जो नाम है कैफीन हब, तो कैफीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसा एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, तो कॉफी में जो मात्रा होती है वो कैफीन की सबसे ज्यादा होती है, तो लाइक हमने एक लाउंज तैयार करा है जो कि कॉफी बेस्ड, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स को कॉफी बहुत पसंद होता है, तो हम लोगों ने कॉफी बेस पर इस जगह पर को प्रिपेयर करा है, और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली जो यूथ है उनके लिए हमने इस जगह को डिजाइन करा है और जगह को चुना है, और उसी हिसाब से टीम भी हमने दिए हैं और यहाँ के मैंने भी डिजाइन करे हैं, तो काफी अच्छा लगा और हमें काफी अच्छा लगा ये जगह के। तो जनरली आपके जो कस्टमर्स होते हैं तो यहाँ पे किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं सर? हमारे स्टूडेंट्स हैं, कपल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लोग प्राइवेट पार्टीज के लिए भी आते हैं, लाइक अगर किसी को बर्थडे ऑर्गेनाइज कराना है, किसी को स्पेशल फील कराना है, तो उसके लिए स्पेशल फील कराना है, एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो प्लेस है ना काफी बोलते हैं ना एकदम छिपा हुआ प्लेस है, जो आप आओगे तो आपको लगेगा कि अरे
ये कहाँ था, इतना सुंदर सा क्यूट सा प्लेस, ये कहाँ था? तो मैं जब आया तो मुझे भी यही फील हुआ कि वाओ वेरी नाइस। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आप जैसे आओगे उसे लगे तो वाओ इतना छोटा सा इतना क्यूट सा प्लेस, और बहुत ही सरप्राइजिंगली ये किसी को भी अगर लेके आते हो तो वो खुश हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बुकुल, आप इतना अच्छा मतलब कि ये प्रोवाइड करा रहे हो। स्पेशली मैं खाने की टेस्ट की बात करूँगा, बहुत ही अच्छा है टेस्ट आपका, बहुत अच्छा है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी भी है। आपका इंटीरियर चलो ठीक है, पर अगर आपका टेस्ट अच्छा ना हो तो सब बेकार है, लेकिन आपकी टेस्ट खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और मुझे काफी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लोकेशन पे आप सेंटर में है, लालपुर के पास है तो सेंटर ही है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपका जो ये प्लेस है कैफीन हब बहुत ही अच्छा है। व्यूअर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारा जो इंस्टा का आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें लाइक पेज को लाइक कर सकते हैं, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह पे नेक्स्ट बार, तब तक के लिए बाय बाय।